और आप देख रहे हो जी ई टेक्निकल फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम एक हमारे पास मल्टीमीटर पड़ा है, ख़राब हो रखा है फ्रेंड, इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है वो देखते हैं पहले। फ्रेंड देख सकते हैं, इसको हम खोलते हैं पहले। इसमें बैटरी भी नहीं है वैसे। फ्रेंड इसमें बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी लग जाएगी फ्रेंड। ये हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है फ्रेंड, देख सकते हो आप। इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। इसमें डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं, देख सकते हो फ्रेंड मल्टीमीटर में 8 8 वोल्टेज दिखा रहा है, बैटरी फुल है। अब फ्रेंड हम मल्टीमीटर को अलग रख लेते हैं। अब इस मल्टीमीटर में बैटरी लगाते हैं, हमने इसमें बैटरी लगा दी है। अब हम इसको ऑन करते हैं, ये इसको ऑन ऑफ का बटन है, देख सकते हो फ्रेंड कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। देख पहले बैटरी हटा देते हैं इसकी, उसके बाद इनमें जो पेज है पेज खोल लेते हैं। देख सकते हो इसकी पूरी वायर लगी हुई है, इसका स्पीकर की वायर अलग हो रखे हैं, देख सकते हो फ्रेंड। ये देख सकते हो वायर अलग हो रखे हैं इसके। और इसमें अब हम बैटरी लगा, अब दोबारा लगाते हैं बैटरी। अब चेक करते हैं इसको, देख सकते हो कभी चल रहा है कभी बंद हो जा रहा है। इस बटन में दिक्कत लग रही है फ्रेंड, क्योंकि बटन कभी चालू हो रहा कभी बंद हो जा रहा, देख सकते हो। हमें ये बटन को चेंज करना होगा फ्रेंड इसका। इसको खोल लेते हैं, पीस हमने अलग कर लिए। अब हम इसको आराम से उठाते हैं, देख सकते हो फ्रेंड ये बटन है, इसमें दिक्कत आ रही फ्रेंड, दबाना कभी दब रहा कभी नहीं दब रहा फ्रेंड, देख सकते हो। इसलिए हमें पहले बटन चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है फ्रेंड। ये हमारे पास दूसरा बटन है नया वाला, देख सकते हो। हम इसको चेंज करके इसको लगाएंगे इसमें, ठीक है। रिमर वायर लेनी है, उसके बाद हमें अच्छी तरह निकालना, कोई पेंट ना पड़े। देख सकते हो फ्रेंड ये हमने निकाल दिया है ये बटन, ठीक है फ्रेंड। अब हम यहाँ अच्छी तरह इसको थिनर से साफ कर लेते हैं। ये थिनर से साफ कर लिया। अब फ्रेंड हम इस बटन को यहाँ पे लगाएंगे, जैसे उखाड़ा था वैसे नए बटन को यहाँ पे लगाएंगे। इसके पावर का है, मल्टीमीटर को ऑन ऑफ करने वाला फ्रेंड, देख सकते हो हमने यहाँ पे अच्छी तरह बिठा दिया है। अब इसमें हम सोल्डरिंग कर ले रहे फ्रेंड। फ्रेंड देख सकते हो हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया है फ्रेंड। अब हम इसको थिनर से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं मल्टीमीटर का।
इनसे अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं। ये हमने क्लीन कर लिया फ्रेंड, अब हम इसको चेक करते हैं, मीटर को इसमें सेट करते हैं आराम से, अच्छी तरह सेट करना है फ्रेंड। मैं तो बॉल होती हूँ, बॉल गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड हम इसके पेज कस लेते हैं जितने फूल लगे थे इसमें से। बैटरी हमने लगा ली, बैटरी इसकी लगा दी फ्रेंड। अब देखते हैं, अभी चालू नहीं हो रहा फ्रेंड, देख सकते हैं हमने इसका बटन भी बदल दिया। यहाँ पे इसका एक प्रिंट रोका रखा था, ये प्रिंट हमने यहाँ से यहाँ इसमें जम्पर मार दिया था। वहाँ हमें स्पीकर इसकी कंटिन्यूटी के वायर लगा देते हैं, इसमें दूसरे वायर लगाएंगे। यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे, ये वाला यहाँ पे प्लस वाला यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे, और ये जो ब्लैक वाला है ग्राउंड बना लेते हैं इसको, इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। वैसे इसमें यहाँ पे लगा लेते हैं, और दूसरा वाला यहाँ पे ब्लैक वाला, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसको टेस्ट करते हैं फ्रेंड एक बार। ये हमारी प्रॉप है मल्टीमीटर की, तो ये पलटते हैं, बटन दबाते हैं, ऑन हो गया फ्रेंड, हमने कंटिन्यूटी में रखा है। अब हम इसको एक को कॉम में ग्राउंड में रखेंगे ब्लैक वाले को, और रेड वाले को यहाँ पे रखेंगे। अभी लगा दिया, अब हम इसको टेस्ट कर देख सकते हो फ्रेंड, ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है अभी कंटिन्यूटी में। तो अब इसके बाद फ्रेंड हम वोल्टेज पे आते हैं, हम इसको 20 पे रखते हैं, 20 डीसी पे, देख सकते हो जो ये रीडिंग दिखा रहा है। हम ये लिथियम बैटरी को चेक करते हैं इससे फ्रेंड, 4 वोल्ट 20 दिखा रहा है बैटरी। अब हम इस बैटरी को ये वाले मल्टीमीटर से चेक करते हैं, इसमें 3 वोल्ट 7-8 दिखा रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है अभी मल्टीमीटर में फ्रेंड्स है इसमें, ठीक है। बाइक वाली बैटरी को चेक करते हैं पहले, हम ये वाले मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसमें 8 वोल्ट 3.76 दिखा रहा है। अब हम इससे चेक करते हैं, इसमें 8 वोल्ट 4.8 दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब हम एसी लाइन चेक करते हैं इससे, 750 में रख के, ठीक 750 में रख लिया हमने ये बॉक्स में हमारे फ्रेंड, एसी लाइन लगा दी हमने, ठीक है। आप देख सकते हो इस बॉक्स में एसी लाइन है, देख सकते हो फ्रेंड, टेस्टर जल रहा है। आप देख सकते हो फ्रेंड हम एसी लाइन चेक कर रहे हैं इसमें, देख सकते हो फ्रेंड, देखते हैं आप एसी लाइन में हम इसको लगाते हैं, देख सकते हो फ्रेंड 253.54 बता रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब हम इससे एसी लाइन चेक करते हैं, 750 में इसको भी रखते हैं, ये 248 वोल्ट बता रहा है फ्रेंड, देख सकते हो। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है फ्रेंड, देख सकते हो फ्रेंड, दोनों हमने एसी लाइन पे लगा रखे हैं, इसमें 248 49 48 47, इसमें 251 तक 51 52 दिखा रहा है, इसमें इसका मतलब थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है डिफरेंस। हम अगर ये मल्टीमीटर से कुछ भी चेक करते हैं तो इससे इससे इसमें थोड़ा डिफरेंस मिलेगा फ्रेंड। हमारे ये मल्टीमीटर ठीक हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पैक कर लेते हैं ये मल्टीमीटर को।
में से आती है। जैसे कि फ्रेंड हम आपको दिखाते हैं, एक वायर का पीस लेते हैं, उसे चेक करते हैं। देख सकते हो फ्रेंड, ये है रेड, रेड को ले लेते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड कंटिन्यूटी चल रही है इसमें, इसका मतलब वायर सही है। अब फ्रेंड अब हम ये वाला लेते हैं, ये भी कंटिन्यूटी में है, एक यहाँ पे लगा लेते हैं और एक यहाँ पे। देख सकते हो फ्रेंड ये भी ओके, इसका मतलब मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में इसमें सही है। फ्रेंड फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।